अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो मेरे साथ रहिए, हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। और बड़ा आप लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और हम बात कर रहे हैं जनाब बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी के दो टॉपिक्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किस तरह से बनाते हैं, और दूसरे लेक्चर में हमने बात की ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की, और बहुत सारे उसके मैंने आपको इमेजेस भी दिखाए और कुछ डायग्राम भी दिखाए। आज जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने आया हूँ वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन, याद रहे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम सी डीएनए भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए, और आपने बात ध्यान में रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए है जो कि हम लोग क्लोनिंग के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक दो चीज़ें समझनी होंगी और बात बिल्कुल हमारे समझ में आ जाएगी। अच्छा, जब हम डीएनए मॉलिक्यूल को देखते हैं तो मैं आपके सामने डीएनए का मॉलिक्यूल बनाऊंगा और फिर हम उसके साथ जो है वो कुछ छेड़छाड़ करेंगे। तो आइए तरह देखते हैं, जब भी हम डीएनए के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो आपने एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। लेट सपोज़ कि ये मैं आपके सामने एक डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये मैंने डीएनए का मॉलिक्यूल बना लिया, ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। अब आपको पता है कि डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं, और जीन जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस के बने होते हैं। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो जीन होती हैं लाजमी नहीं है उसमें हमेशा वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद हो जो कोई अमाइनो एसिड को कोड भी करता हो। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा हेटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का, आपको याद है? बिल्कुल। तो यूक्रोमेटिन वो पार्ट होता है क्रोमेटिन नेटवर्क का डीएनए का जो एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है, और हेटरोक्रोमेटिन नहीं बनाता। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर लेट सपोज मैं इसमें ये बहुत सारे ये ब्लैक कलर के पोर्शंस में लगा देता हूँ, और आपने याद रखना है कि ये जो ब्लैक कलर के पोर्शन हैं ये हमारे इस डीएनए के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, ये इस डीएनए के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। इसी तरीके से मैं कुछ जो है वो इस वाले स्ट्रैंड के अंदर भी लगा देता हूँ ताकि हमें चीज़ें समझने में और याद रखने में आसानी रहे। अच्छा, अब ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे आप समझ सकते हैं कि जब भी अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये अब हम करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर हम पूरे के पूरे लेक्चर जो है वो कर चुके हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले पोर्शन में। आपको पता है जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ट्रांसक्रिप्शन में इस डीएनए मॉलिक्यूल से जो हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, इससे हम बना लेंगे मैसेंजर आरएनए। इससे हम क्या बना लेंगे, इससे हम बना लेंगे मैसेंजर आरएनए। तो लेट सपोज कि ये इससे हमने एमआरएनए फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा एमआरएनए है। याद रहे ये वाला जो एमआरएनए है इसको हम कहेंगे इमैच्योर एमआरएनए, इमैच्योर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब सवाल ये ध्यान में उठता है कि इसको हम इमैच्योर मैसेंजर आरएनए क्यों कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको देखेंगे तो इसमें इसने जो जीन कॉपी की है उस जीन के कोडिंग सीक्वेंसेस के साथ आपको पता है उसके नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी इसने कॉपी कर लिए होंगे। अब ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इस जीन के अंदर ब्रेक लगा रहे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे अमाइनो एसिड बनाने जाऊंगा तो एक अमाइनो एसिड मैं यहाँ बनाऊंगा, फिर ये ब्रेक आ जाएगी, फिर ये एक अमाइनो एसिड इधर बनेगा, फिर ब्रेक आ जाएगी, फिर एक अमाइनो एसिड इधर बनेगा, फिर ब्रेक आ जाएगी, तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि कोई भी जो हमारा मैसेंजर आरएनए जब जीन कॉपी करता है तो बेसिकली उस जीन में दो पोर्शन होते हैं, उनमें से एक जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एग्जॉन, और एग्जॉन फंक्शनल पार्ट होता है जीन का। तो इट इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन। और दूसरे जो होते हैं उनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं, और इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं जीन के, नॉन फंक्शनल पार्ट्स ऑफ जीन। याद रहे
एग्जॉन्स को कोडिंग सीक्वेंसेस, यानी ये कोड करते हैं जीन को, अमाइनो एसिड्स को कोडिंग सीक्वेंसेस, और इंट्रॉन्स को नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी कहा जाता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये आपने अपने ध्यान में रखना होगा। अब आपको पता है इंट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से हम इस आरएनए से प्रोटीन नहीं बना सकते। जब ये आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में तो जो ट्रांसफर आरएनए है उसको प्रॉपर तरीके से रीड करके इससे प्रोटीन नहीं बना सकेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम इसको गुजारेंगे एक प्रोसेस से, और उस प्रोसेस में हम इसको कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस। और ये एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं, ये एंडोन्यूक्लिएज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस जगह पर, चले ऐसे एरो करके लिख देता हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम इमेच्योर mRNA। और अब आप समझ रहे हैं कि जब इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे, सिर्फ एग्जॉन्स। वो जो एग्जॉन्स होंगे उन एग्जॉन्स को एक साथ जो है आपस में बांध दिया जाएगा, उनको आपस में मिला दिया जाएगा, और जैसे वो आपस में मिलेंगे तो एक हमारे पास mRNA बन जाएगा, जो कि हमारा छोटे साइज का RNA होगा, मगर ये हमारा मेच्योर mRNA होगा, और ये मेच्योर मैसेंजर RNA फिर जाएगा और जाकर प्रोटीन को जो है वो कोड करेगा। तो इट विल लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इससे हमारी एक प्रोटीन चेन जो है वो, पेप्टाइड चेन जो है वो बन जाएगी। नाउ दिस इज नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाना होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमें इस्तेमाल करना होता है क्लोनिंग के प्रोसेस में। और आप याद कर लीजिए कि क्लोनिंग के प्रोसेस में हमें एग्जॉन्स की ज़रूरत होती है, इंट्रॉन्स की नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये नॉर्मल सारा तरीका हमने समझ लिया कि सारी गाड़ी कैसे चलेगी, तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और थोड़ा सा इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम इससे कॉम्प्लीमेंट्री DNA कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये आइडिया थोड़ा आपको देना ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये बात आपको सही तरह समझ में नहीं आती। तो अब देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री DNA कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको याद रखना है कि वो प्रोसेस जिसमें DNA से मैसेंजर RNA बनता है, हमने पढ़ा था उसको, हम कहते थे ट्रांसक्रिप्शन, याद है ना आपको। तो अब यहाँ पर मैंने आपके सामने अपना वही मेच्योर मैसेंजर RNA बना दिया, जो मेच्योर मैसेंजर RNA मैंने पिछली डायग्राम में आपके सामने बनाया था, जो प्रोटीन बना रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस मेच्योर मैसेंजर RNA को, और याद रहे आपको, और याद रखना है इस मेच्योर मैसेंजर RNA में कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, देयर आर नो इंट्रॉन्स इन इट, ये सारे एग्जॉन्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बजाय इससे कि मैं इसको भेजूँ साइटोप्लाज्म में और मैं इसे प्रोटीन बनवाऊँ, मैं इसको निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा, और एक्सट्रैक्ट करके मैं इसको ट्रीट कर दूँगा एक बहुत ही ज़बरदस्त एंजाइम से, जिस एंजाइम को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो एंजाइम बनेगा, जो एंजाइम इस्तेमाल होगा, दैट एंजाइम इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोचेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हुई, अब आप याद कीजिए व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA, यानी ये हमारा DNA था, इस DNA से अगर मैं mRNA बनाऊँ, ये DNA और इससे ये मैंने बना लिया mRNA, तो ये प्रोसेस था हमारा ट्रांसक्रिप्शन। इमेजिन करें कि अगर मैं मैसेंजर RNA से वापस DNA बनाऊँ, अगर मैं मैसेंजर RNA से वापस DNA बनाऊँ, तो ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो गया ना, उलट गया, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम फीचर है रिट्रोवायरसेस का, जैसे हमारा HIV है, एड्स का वायरस, बेसिकली वो रिट्रोवायरस है, इसलिए जब वो आप उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसको टैकल करना कितना मुश्किल काम है। अच्छा अब क्या होगा, जब इस मेच्योर मैसेंजर RNA को मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ट्रीट करूँगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर RNA से DNA बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास DNA की एक स्ट्रैंड बन जाएगी। तो ये हमारे पास DNA की एक स्ट्रैंड आ गई। ठीक है,
तो इट्स ए सिंगल सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, क्योंकि आपको याद है, आपको याद है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो उससे हम एक ही स्ट्रैंड बना सकेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब तो बिल्कुल आसान काम हो गया, अब ये बिल्कुल आसान काम ये हो गया कि हम इसको ट्रीट कर देंगे, हम इसको ट्रीट कर देंगे ट्रीटेड विथ डीएनए पॉलीमरेज। और ये हम क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये सारा का सारा काम कैसे होगा। तो जैसे ही हम इसको डीएनए पॉलीमरेज से ट्रीट करेंगे, आप समझ रहे हो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इस स्ट्रैंड को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस्तेमाल करेगा, और हमें बताया कि हमें अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो तो दूसरे का सीक्वेंस हम पता चला सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो वो आएगा इस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड इस्तेमाल करेगा और इसके ऊपर दूसरी स्ट्रैंड जो है वो बना देगा इस तरह से, तो ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस डीएनए के मॉलिक्यूल में कोई भी नॉन कोडिंग नॉन फंक्शनल सीक्वेंस मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये हमने मैच्योर मैसेंजर आरएनए से बनाया है जिसके अंदर एग्जॉन्स होते हैं, एड्रॉन नहीं होते। इसीलिए इस डीएनए को अब हम नाम दे देंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का, यानी सी डीएनए का, और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को यानी सी डीएनए को हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। तो इसको हम क्लोनिंग के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, इसको हम आइसोलेशन ऑफ अ यूकैरियोटिक जीन भी कहते हैं। यानी हमने क्या किया, अच्छा याद रहे, ये बड़े मज़े की बात है, हम यूकैरियोटिक जीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में यानी प्रोकैरियोट्स में जब हम उनका डीएनए देखेंगे तो उनमें कोई भी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होते, यानी बैक्टीरियल सेल्स में देयर आर नो इंट्रॉन्स। इसलिए जब मैसेंजर आरएनए बनता है किसका, बैक्टीरिया का, तो वो डायरेक्ट जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चला जाता है, उसको किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले एक मैसेंजर आरएनए बनाया, वो इमेच्योर था, उसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स थे, हमने इंट्रॉन्स रिमूव किए और इंट्रॉन रिमूव करके हमने मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाया, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिट्रीट किया, सिंगल स्ट्रैंड बना डीएनए का, उसको डीएनए पॉलीमरेज रिट्रीट कर दिया और हमारे पास डबल स्ट्रैंड आ गया डीएनए का, और अब ये क्लोनिंग के अंदर इस्तेमाल होगा। तो इसमें हम चूंकि एक पूरी जीन को आइसोलेट करके अलग करके मिला के एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन भी कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया यूकैरियोटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक की जो जीन होती हैं उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें इंट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। तो इसके साथ ही हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाना सीखा, समझा, इस पूरे प्रोसेस को हमने देखा, स्टडी किया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे समझ आया होगा। आपको इस लेक्चर के मुताबिक अगर कोई सवाल है तो इस लेक्चर वीडियो लेक्चर के जो कमेंट सेक्शन है उसमें सवाल अपना जो है वो टाइप कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह खुद उसका आपको जवाब दूंगा, और आप देखते हैं कि मैं सारे कमेंट्स के खुद जवाब देता हूँ। बाकी आप लोग मेरा चैनल देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, यहाँ पर जो आपको लाल बटन नज़र आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए और इस चैनल के मैसेज को जितना आगे आप पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाइए। मैं हूँ डॉक्टर आसिम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।